दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज आज मदन मोहन अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। वहां पर उन्होंने हीट वेव के मरीजों के लिए क्या किए गए इंतजाम है उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद कहा जो सीएमओ यहां ड्यूटी पर थे यहां पर उनसे जाना चाहा कि जो लोग हीट वेव से जुड़े मरीज आ रहे हैं तो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। यहाँ फ्लूड और आइस पैक में इस तरह दूसरे अस्पतालों में भी निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने सर्कुलर जो हमने पहले भी जारी किया था उसको दोबारा रीसर्कुलर भी जारी करेंगे। हमारी टीम नाइट शेल्टर में जाकर भी देखेगी। हमने पुलिस कमिश्नर को भी कहा है कि हीट स्ट्रोक का कोई मरीज दिखे तो उसको अस्पताल के अंदर भर्ती करा दें या स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दें। दिल्ली में 310 मरीज हीट वेव के लिए भर्ती हुए थे जिसमें से 112 डिस्चार्ज हो चुके हैं और 118 का अभी इलाज चल रहा है और वहीं 14 लोगों की मौत हुई है 48 घंटे में। यह सभी हीट स्ट्रोक के नहीं उसमें गंभीर बीमारियों से भी पीड़ित लोग थे। अगर उन्हें हीट स्ट्रोक हो जाता है तो उनके लिए जानलेवा हो जाता है। ये दिल्ली सरकार के अस्पताल का डाटा है जो हम आपको बता रहे हैं। लगातार जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है उसको लेकर दिल्ली सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज वो किस तरीके से अस्पताल पहुंचे उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टरों से उन्होंने बात करी और यहां पर जाना कि किस तरीके से मरीजों का देख रेख जो है वो किया जा रहा, कैसे उनको रखा जा रहा, उसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल में आज हम लोग एक सरप्राइज इंस्पेक्शन पे आए हैं देखने के लिए कि जो हीट स्ट्रोक्स के मरीज़ हैं उनकी मैनेजमेंट के लिए क्या इंतज़ाम है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे मुझे मेडिसिंस, आईवी फ्लूइड्स, आइस पैक्स वगैरह दिखे हैं और भी अस्पतालों में औचक निरीक्षण करेंगे। सर कितने हॉस्पिटल दिल्ली सरकार में एडमिट हैं और कितने की डेथ हो गए हैं? देखिए हमारे यहाँ करीब 310 लोग आए थे हीट स्ट्रोक से संबंधित, 112 इसके अंदर छुट्टी पा चुके हैं, घर जा चुके हैं, 118 एडमिटेड हैं और करीब 14 लोग जो हैं अलग अलग कारणों से, हीट स्ट्रोक भी एक वजह थी, उनके अलावा भी उनको कुछ गंभीर बीमारियाँ थी उसकी वजह से 14 लोगों की जो है जान भी गई। सर जिस तरीके से जो है निरीक्षण कर रहे हैं, हेल्थ सेक्रेटरी को भी निरीक्षण करना चाहिए? देखिए हेल्थ सेक्रेटरी तो गायब है, मुझे बताया गया है कि 13 जुलाई तक वो छुट्टी पे हैं। कैसे ऐसी इमरजेंसी के समय में जब अस्पतालों की इतनी ज़रूरत है, हेल्थ डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, हेल्थ सेक्रेटरी को इतनी लंबी छुट्टी किसने दे दी? मैंने तो छुट्टी दी नहीं, और कैसे कोई इतनी लंबी छुट्टी पर जा सकता है? ये बड़े सवाल हैं जो हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख के पूछे हैं। दिल्ली सरकार के तरफ से क्या क्या व्यवस्था है? देखिए हमने दिल्ली पुलिस को लिखा है कि जितनी भी उनकी पेट्रोलिंग यूनिट्स हैं वे भी निगाह रखें कि अगर कोई सड़क पर इस तरह से हीट स्ट्रोक का मरीज दिखता है तो उसको वो अस्पताल के अंदर एडमिट करा दें। हमने भी एम्बुलेंसेस तैनात की हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ताकि अगर इस तरह का मरीज़ मिले तो उनको हॉस्पिटल में भेज देना। और कौन कौन से हॉस्पिटल में निरीक्षण करें? अभी देखेंगे, अभी सरप्राइज़ है तो बताएंगे नहीं। सो पिछले एक हफ्ते से हम मरीज यहाँ पे टैकल कर रहे हैं, जितने भी हीट रिलेटेड इलनेसेज हैं, जो लेबरर्स हैं जो बाहर काम कर रहे हैं ओपन में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनके साथ हो रही है। वो आ रहे हैं बिल्कुल बेहोशी की हालत में, तो उनको सबसे पहले हम नीचे इमरजेंसी में मैनेज कर रहे हैं। इमरजेंसी में उनका पूरा आइस पैक से और जितना भी हमारे पास कोल्ड वाटर, जो कोल्ड नॉर्मल से लाइन है उससे हम उनको ठंडा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे वो ठंडा हो के उनकी इन्वेस्टिगेशंस करके अगर पेशेंट स्टेबल होता है तो फिर हमारे पास वार्ड में हमने 5 बेड रखे हुए हैं हीट स्ट्रोक वाले मरीजों के लिए, और अगर मरीज ज़्यादा सीरियस होता है बिकॉज उसके लिए फिर हमें उनको फिर हमें रेफ़र करते हैं। एक बार पेशेंट स्टेबलाइज करके फिर हम उसको हायर सेंटर में रेफ़र कर रहे हैं। मैडम एक हफ्ते में कितने केस आए होंगे और कितने डिस्चार्ज हुए होंगे? अभी हमारे पास पिछले 3 दिन में ही सबसे ज़्यादा केसेस जो आए हैं वो परसों रात में हमारे पास एक पेशेंट आया था
वो हमने रेफ़र किया था। कल हमारे पास 9 केसेस आए थे, उसमें से हमने 8 रेफ़र किए हैं और एक अभी हमारे पास वार्ड में एडमिटेड है, उसकी अभी जांचें चल रही हैं। पेशेंट वैसे कॉन्शियस है, अभी बात कर रहा है, उसका फ्लूइड्स चल रहा है सारा, और अभी उसने थोड़ा थोड़ा खाना भी शुरू कर दिया है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज यहाँ निरीक्षण करने के लिए आए, इमरजेंसी के काफ़ी खुश थे, अच्छा व्यवस्था व्यवस्था जितना हमारा सामर्थ्य है हम उस सामर्थ्य में बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं सब काम करने की, क्योंकि कोई भी मरीज यहाँ से ख़राब हालत में नहीं वो होना चाहिए। हर मरीज को एंटर देखा जा रहा है, इमीडिएटली कूलिंग की व्यवस्था उसकी की जा रही है यहाँ पे। स्ट्रेचर हो या व्हील चेयर हो, वहाँ पर क्या व्यवस्था है? देखो स्ट्रेचर भी है हमारे पास, क्योंकि दूसरे मरीज भी बहुत सारे हैं, सिर्फ हीट स्ट्रोक के साथ साथ और मरीज भी हैं, तो जितनी अवेलेबिलिटी पॉसिबल होती है उस समय वो पूरी फोर्स जो है वो हमारी इमरजेंसी में चली जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी रात में हो रही है, तो रात में सारी फोर्स वहीं पे हमारी, जितना मैन पावर है, जितनी व्हील चेयर्स की व्यवस्था है, सब वहीं पे हम वहीं पे रख के और वहीं से फिर मोबिलाइज करते हैं। क्या मैसेज देंगे जिस तरीके से गर्मी से कैसे बचना चाहिए एक डॉक्टर हो के आम जनता के? गर्मी से बचने के लिए सबसे पहले तो ये है कि जो लेबरर्स जो सड़क पे लोग जो काम कर रहे हैं उनको हमेशा एक पानी का एक इंतज़ाम होना चाहिए उनके लिए, पानी पीने का, और अपना जो भी कपड़ा उनके पास है, गमछा है, उसको गीला करके अपने ऊपर रखिए। अपने ऊपर रखने से जो आपका अंदर का टेम्परेचर है वो इतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस समय जो वातावरण है वो ड्राई है। ड्राई वातावरण में अगर हम गीले कपड़ों का अपने ऊपर इस्तेमाल करेंगे या बीच बीच में पानी अपने ऊपर डालेंगे तो उससे आपका टेम्परेचर जो है बॉडी का वो उतना नहीं बढ़ेगा। और ORS और पानी, ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो आपको लेनी है। खाने पीने का उतना ही खाइए जितना आपके शरीर को चाहिए, फल खाइए और बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले इस मौसम में नहीं खाइए, उससे पेट खराब होता है और उससे और ज़्यादा उल्टी दस्त लग के आपका परेशानी होती है।